तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने इस तरीके का एक गुलाल पिचकारी बनाया था, जिसको कि हम गुलाल की मदद से भी चला सकते हैं, अंदर गुलाल भर के भी, और साथ ही साथ हम वाटर से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे गुलाल से तो चला करके दिखाया था, और गुलाल से चलाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक कनेक्टर बनाया था, जिसको हमें आगे कनेक्ट कर लेना होता है, उसके बाद हम इसे चला सकते हैं। और साथ ही साथ ये वाटर से भी चलती थी, तो वाटर से चलाने के लिए मैंने बोला था कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको वाटर से चलाने का प्रोसीजर थोड़ा अलग है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ वाटर से चलाने के लिए, यहाँ पे मैंने इस तरह का कनेक्टर बना हुआ है, तो इसको हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है इसको वाटर से चलाने के लिए। और अभी इसके अंदर का जो भी अबीर है, सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे। तो इसको यहाँ से मैं खोल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, इसका अबीर जो है कि वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वाटर भर लेंगे। तो मैं इसमें पानी भर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें पूरा पानी नहीं भरा है, आधा से मैंने थोड़ा सा कम ही पानी इसमें भरा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हम दो तरीके से चलाते हैं। एक तो हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके से पंप के ज़रिए सबसे पहले एयर भर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें जो पानी है उसको पूरा नहीं भरेंगे, आधा ही भरेंगे, क्योंकि जब भी हम इसमें एयर भरेंगे तो एयर का भी प्रेशर इसके अंदर होना ज़रूरी है, तो हमें एयर के लिए ऊपर थोड़ा जगह छोड़ना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आधा ही पानी भरा है। तो सबसे पहले मैं इसमें एयर के ज़रिए आप लोगों को चला करके दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे मैं इसके बाद में भी आप लोगों को चला करके दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं इसमें बंद कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमने इसे बंद कर दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें हवा भर देते हैं इस पंप की मदद से। अब दोस्तों, हमने इसमें बिल्कुल अच्छे से हवा भर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इसकी बोतल है वो भी बिल्कुल टाइट हो चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस तरीके से आप लोग को चला करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है उस तरीके से भी मैं आप लोग को चला करके दिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे अभी हम इसे चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं इसे आप लोग चला करके दिखा रहा हूँ। शायद मैं इसकी दूरी बता दूँ, लगभग आपका होगा ये 10-20-30, लगभग 30 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी है वो दीवार जो है कि। और अभी हम इस चीज़ को चला करके देखते हैं कि जो इसका फोर्स है वो वहाँ तक जा पाता है या फिर नहीं जा पाता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इसका फोर्स है वो वहाँ तक गया तो था, लेकिन जैसे जैसे इसका जो एयर कम होते जा रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी इसकी कम होती जा रही है। और यहाँ पे अभी इसका पानी भी ख़त्म हो चुका है, तो ये बंद हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, जो इसका दूसरा प्रोसीजर है उससे भी मैं आप लोग को इसे एक बार चला करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से चलता है। और अभी दोस्तों, जो इसका दूसरे तरीके से चलाने का प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इस तरीके का जो ब्यूटेन गैस होता है, जिससे हम गैस टॉर्च जलाते हैं, तो ये वो वाली गैस मैंने ली है। ये इससे ये आपको मार्केट में 100 से 150 रुपये के अंदर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड जो किचन में उपयोग होने वाला जो एलपीजी गैस होता है, जिसकी मदद से हम खाना बनाते हैं, उसके इसके अंदर भी यही गैस भरी होती है। तो आप अगर उस सिलेंडर के अंदर से गैस निकाल सकते हो तो उसे भी उपयोग में ले सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके की कैन को भी काम में ले सकते हो। तो चलिए, इसको हमें इससे चलाने के लिए सबसे पहले इस बोतल को हमें पूरा भर देना है। इसमें हमें बोतल को आधा भरने की ज़रूरत नहीं, यही इसकी खासियत है कि इसमें आप जितना चाहें उतना बोतल को भर सकते हो। ये जो है कि बोतल में जो आप पानी भरोगे उसका शुरू से लेकर लास्ट तक इसके अंदर का जो एयर प्रेशर है उसको एक जैसा बनाए रखता है, यानी कि आपका पानी चाहे जितना भी कम हो जाए इसका प्रेशर जो है वो कम नहीं होने देगा। जबकि हम इसमें एयर भरते थे तो एयर का प्रेशर जो है कि जैसे जैसे पानी ख़त्म होता था वैसे वैसे प्रेशर कम होते जाता था, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। जैसे जैसे पानी ख़त्म होगी ये प्रेशर अपने आप बनाते जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गैस पड़ी रहेगी, और जैसे जैसे पानी ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे गैस जो है इसका अपने आप जो है कि जो लिक्विड गैस है वो अपने आप जो है कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के प्रेशर अपने आप बना देगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके पानी को जो है कि पूरा भर लेता हूँ। अभी दोस्तों, जो इसके अंदर पानी है उसमें हमने इसमें बोतल में हमने पूरी तरीके से भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके का बोतल लेंगे और सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा एलपीजी गैस जो है ब्यूटेन गैस को थोड़ा सा निकाल लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने जो इसका गैस है उसको लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे निकाल दिया है। इसी गैस को हमें इसके अंदर डाल देना है और जैसे जैसे इसकी पानी ख़त्म होगी ये जो लिक्विड फॉर्म है ये अपने आप को कन्वर्ट करके एक्सपेंड होकर ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा और ये जो है कि अंदर प्रेशर बनाते जाएगा और ये पानी हमारे निकलती जाएगी। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं इसमें लगभग 3 से 4 ढक्कन इसमें डाल देता हूँ। बस आई थिंक इतना काफ़ी होगा। और वैसे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, तो जब आप इसे अपने हाथ में लोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हाथ में लेते ही मन जो है कि वाष्प में तुरंत परिवर्तित हो जाता है, तुरंत उड़ने लगता है। तो इसी तरीके से इसमें भी जो है कि प्रेशर बनाने का काम करता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें इसका जो बाल वाला है इसको हमें बंद कर देना है, उसके बाद हम यहाँ पे इसे भी इस तरीके से लगा करके बंद कर देते हैं। अभी दोस्तों ये बंद कर देने के बाद इसमें प्रेशर अपने आप जो है कि बनने लगा, हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसे हिला देंगे और थोड़ी देर में लगभग ये काम भर का प्रेशर बना लेगा। उसके बाद जैसे हम चलाएंगे वैसे ये अपने आप ही चलता रहेगा, इसमें हमें कोई भी बार बार जो है कि हवा भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा देर तक छोड़ लेते हैं ताकि ये बोतल जो है कि थोड़ा टाइट हो जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बोतल जो है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, इसे आप जैसे ही हिलाओगे ये और ज़्यादा गैस बनाने लगता है। तो चलिए हम इसे चला करके देखते हैं कि इसका प्रेशर कैसा है। वाओ यार, इसका प्रेशर तो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो यार ये कितना शानदार इसका प्रेशर है, ये बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार कितनी दूर तक ये जा रहा है, पहले से भी ज़्यादा अच्छा इसका प्रेशर है। इसमें थोड़ा सा आप इसे और हिला दोगे ये वापस से प्रेशर बना लेगा, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो इसकी जो वाटर है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमारा काम करता है। आप चाहो तो जो इसके आगे का ये जो हमने बनाया है आगे का कनेक्टर, इसे आप अगर थोड़ा और पतला रखोगे तो ये और ज़्यादा देर तक चलेगा। ये थोड़ा सा मोटा था जिससे कि थोड़ा कम देर तक चला, क्योंकि आप अगर इसे पतला रखते हो तो इससे से पानी जो है कि वो और धीरे धीरे निकलेगा और ये जो हमारा कि पिचकारी जो है वो और ज़्यादा देर तक चलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को हमारा ये वाला जो पिचकारी ज़रूर से अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसको चलाने का जो प्रोसीजर थोड़ा अलग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ये पिचकारी आपको कैसी लगी इसके लिए भी एक लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।